नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा पार्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा पार्ट है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो आज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ अपने व्यूअर्स को, जिससे उनको कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में देखा हूँ कि लोगों को थोड़ा दिक्कत आती है समझने, तो मैं पूरा वीडियो ही बनाऊंगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या है कि बोथ द पार्टी इज नॉट इंटेंडेड टू कम इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे हैव टू कम इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोथ द पार्टी इज नॉट इंटेंडेड टू कम इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट द सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू दैट दे कम इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट करना था वो दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको पता है कि एक एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं ये काम करूंगा, ठीक है तुम ये काम करोगे, उसके लिए पैसे मिलेंगे, ये वो जो भी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता था। लेकिन होता ये है कि यहाँ पर कि दोनों पार्टी को ना पता ही नहीं था कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इवन इंटेंशन भी नहीं था कि हमको आपसे, मतलब मान लीजिए कि हमको आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, घर खरीदना है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमको आपसे घर खरीदना है। माने इंटेंशन भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं है घर खरीदने का, लेकिन हम एग्रीमेंट मतलब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि हमको घर खरीदना पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा रहा हूँ। अब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे समझिए कि एक साइकिल है जो कि आपकी खो गई थी कहीं पे, आपकी साइकिल, वो साइकिल मुझे मिली। अब मुझे मिलने के कारण मैंने फाइंडर मतलब मेरे को मिलने के बाद अब मैं क्या करूंगा, या मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रख दूंगा उस साइकिल को अपने 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 पास, या तो मैं उसको आपको खोज के देने की कोशिश करूंगा। अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट में जाता हूं कि खोज के देने की कोशिश करूंगा, तब हम दोनों बिना जाने बिना समझे बिना किसी को पहचाने हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए। अब ये समझिए कि हम लोग को क्या है कि हम दोनों जो साइकिल का लेन देन कर रहे हैं, तब हमको भी नहीं पता है कि आपके पास साइकिल है, आपकी साइकिल है, और आपको नहीं पता कि मेरे पास साइकिल है। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है ना कि हम दोनों एक दूसरे को बिना बोले एग्रीमेंट में घुस गए हैं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए हैं। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल ऑब्लिगेशन आता है। लीगल ऑब्लिगेशन कैसा, जैसे मान लीजिए कि साइकिल का एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ लीगल ऑब्लिगेशन की। देखिए, अगर मैं एक अच्छा नागरिक हूँ देश का, तो मैं जरूर आपको खोजने की कोशिश करूँ। अरे पहले खोजो तो, नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन मैं पहले आपको खोजने की कोशिश करूंगा। अगर ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर मान लीजिए कि कल को आपको आपको पता था कि आपकी साइकिल खोई है, कल को आप अगर मेरे को देखते हैं कि वो साइकिल हम चला के सामने से जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे, आप कहेंगे चोर है। आप सिंपली भाषा में यही कहेंगे कि ये लड़का चोर है और चोरी करके भागा है मेरी साइकिल को। आप ऐसा मेरे नाम पे वो भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि ये बात कोर्ट में उठेगा। अब कोर्ट में अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, मैं उसको खोजने की कोशिश किया था लेकिन मिला नहीं, तो मैं क्या क्या किया हूँ वो देखा जाएगा। फिर जाके मेरे को कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये साइकिल तुमने चोरी की करने की कोशिश की है कि वो की है। अब इसमें ना लीगल ऑब्लिगेशन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या है कि आपको जो सामान मिला है, मतलब साइकिल जिस हालत में आपको मिला है उसी हालत में आप रिटर्न करेंगे ना किसी को भी। मान लीजिए आप मेरे से बुक डायरेक्टली लेके गए, कोई भी बुक आप लेके गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बुक फाड़ के लेके आएंगे, ये लीजिए आपका बुक, वैसा तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं भाई मैंने जैसे आपको दिया वैसे दीजिए। तो साइकिल को जो चोरी हुआ है उसी कंडीशन में आपको रखना भी है, उसको संभाल के रखना है, ये है एक लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब यहाँ पे दो लीगल ऑब्लिगेशन हो गए कि पहले कि मेरे को वो किसी भी हालत में मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि वो खोज, मैंने जिसका साइकिल खोया है उसको मैं खोजूं, मतलब मैं आपको खोजने की कोशिश करूंगा। दूसरा कि ये कोशिश करूंगा कि जो साइकिल मेरे को जिस हालत में मिला है उसी हालत में उसको रिटर्न कर सकूं। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है। अब हम लोग चार पॉइंट में इसको समझेंगे धीरे धीरे। पहला पॉइंट ये होता है कि क्लेम फॉर द नेसेसिटी सप्लाई टू ओपन अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और इन कॉन्ट्रैक्ट। ये चारों पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप सुनिए, अगर आपको नोट बनाना है तो बनाइए, मेरे क्लास करते टाइम में नोट मत बनाइएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ और अगर आप मेरे को कमेंट भी करते हैं तो भी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। पहला कह रहा है क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन His account, मतलब उससे उसके साथ, मतलब दोनों पार्टी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो रहा है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं रहा है, लेकिन हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए हैं।
समझना ये है। अब दूसरा पॉइंट कहता है पर्सन पेइंग मनी ड्यू टू अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। मतलब इस लाइन को समझने के लिए थोड़ा एक और एग्जांपल लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो इंसान लड़ रहे हैं कि भाई मेरे को 100 रुपए दो, अब वो 100 रुपए उसको दे नहीं रहा है। दो इंसान है ए एंड बी। अब ए बोल रहा है बी को कि मेरे को 100 रुपए चाहिए, मेरा 100 रुपए जो तुमने लिया था वो दीजिए, वो दो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ बीच में, क्योंकि ए और बी में लड़ाई चल रहा है, तो मैंने बोला कि भाई ये लो, बी को मैंने 100 रुपए दे दिया कि भाई तुमको 100 रुपए तुम्हारा जो ए जिस जो ए से मिलने वाला था वो मैं दे दे रहा हूँ। तो ए क्या करेगा अब, इसका उसका फर्ज क्या है कि वो मेरे को समय पे मेरे को 100 रुपए तो देगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उस 100 रुपए को मतलब वो दे दिया तो भाई ए भी भूल गया कि नहीं चलो अब तो हम देना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे। दूसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इन सॉरी तीसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूएशन एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूएशन एक्ट का मतलब पहले हमें समझते हैं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आप समझते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब किसी को आप मैंने अंदर से मतलब वो करना, थैंक्स करना। अब ये क्या है नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट है। नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट हमें ये कहता है कि हम जब आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं है तो ग्रेटिट्यूड कैसा। ऐसा मान लीजिए कि साइकिल उसका खो गया है, इसी एग्जाम्पल में रहते हैं, साइकिल खो गया है। अब वो तो खोज रहा होगा ना पूरी दुनिया में, लेकिन उसके अंदर से मेरे लिए कोई ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब थैंकिंग नहीं आ रही। जब हम मिलेंगे तब वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आया, लेकिन जब हम मिलेंगे तब तो उस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है क्योंकि हम उसको साइकिल रिटर्न कर दे रहे हैं। तो सबसे जरूरी यही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग ऑफ बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट, मतलब वो कोई मैंने ग्रेटिट्यूड एक्ट में है ही नहीं, मतलब थैंकिंग एक्ट में है ही नहीं, थैंकफुल है ही नहीं अभी तक जब तक उसको साइकिल मिल नहीं जाती। दूसरा फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है कि साइकिल अगर मेरे को मिला है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको खोज के दें, जरूरी है। ये लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डेवलप बाय मिस्टेक अंडर कोरिएशन। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि जैसे हम पैसा दे दिए ए और बी वाले में सिचुएशन में, पैसा तो हम दे दिए बी को, अब हुआ ये कि ए का फर्ज बनता है कि मुझे पैसा रिटर्न करे, वो चाहे बाय मिस्टेक हम उसको पैसा दिए हो चाहे पूरा मेंटल स्टेबिलिटी से हम पैसा दिए। अब पैसा अगर हम दे ही रहे हैं और मैं मतलब मेरा एज अगर 18 है हम किसी भी एग्रीमेंट में जा सकते हैं तो फिर हम पैसा क्यों नहीं दें, मतलब हम तो पूरे मेंटल उसमें बताए ना, मेंटल स्टेट में बताए मेरा मेंटल कोई डिसऑर्डर है नहीं, तो इसी स्टेट में हम उसको दिए हैं पैसा दिए हैं, तो एक फर्ज बनता है हमको दे। धन्यवाद, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया है, फिर भी एक रिकैप छोटा सा, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसको कहते हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोथ द पार्टी इज नॉट इंटेंडेड टू कम इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इवन बट द सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू दैट दे कम इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों।